या प्रेमी या प्रेमिकाओं द्वारा धोखा देने पर या धोखा खाने पर, पति पत्नी के आपसी झगड़े, विचार ना मिलने पर या किसी बात पर बहस होना। देखा जाए तो आज की दुनिया में हर कोई दुखी रहता है। द यूएसए ट्रूथ एक बार फिर से आपका स्वागत करता है। दुनिया में हर कोई कहीं ना कहीं बहुत परेशान है और बहुत दुखी है। बहुत कम लोग ही होंगे जो अपने जीवन से खुश होंगे, वरना शिकायतें तो हर किसी के पास है। अकेलापन यदि अधिक समय तक टिक जाए तो आदमी स्वयं को असहाय महसूस करने लगता है। उसे लगता है कि दुनिया में कोई भी मेरे साथ नहीं है। फिर अकेलापन धीरे धीरे अवसाद यानी डिप्रेशन में बदल जाता है। अकेलापन ना सिर्फ मानसिक रूप से बीमार बनाता है, बल्कि शारीरिक रूप से भी बीमार बनाता है। एक अध्ययन के अनुसार अकेलापन शरीर को उतना नुकसान पहुंचाता है जितना एक दिन में 15 सिगरेट पीने से शरीर को नुकसान होता है। शिकागो यूनिवर्सिटी के मनोवैज्ञानिकों के अध्ययन के अनुसार जो लोग अकेलेपन का शिकार होते हैं, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी होने लगती है, जिससे उनके शरीर में सूजन व जलन होने लगती है। घाव या संक्रमण जल्दी से ठीक नहीं होते। यहाँ मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बता रहा हूँ जहाँ अकेलेपन से बाहर निकलने में मदद करेंगे। सबसे पहले अपने अकेलेपन का कारण पता करें। सबसे पहले आप अपने अकेलेपन का कारण पता कीजिए। वो ऐसी कौन सी बात है, कौन सी वजह है जिससे आप इतना परेशान हैं, जिसकी वजह से आप अपने आप को अकेला महसूस करते हो। फिर उस कारण को, उस वजह को दूर करने का प्रयास करें। वह वजह अगर किसी से बात करने या मिलकर खत्म हो जाती है तो देर ना करें, जल्दी से जल्दी उस वजह को दूर करने का प्रयास करें। अगर आपको अकेलेपन की वजह पता है और वो वजह आपके दायरे में है, तो जल्द से जल्द उस वजह को ख़त्म करने के विकल्प तलाशिए। और अगर वो वजह आपके दायरे से बाहर है, तो उसे दिमाग से बाहर निकालकर ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए नए विकल्प पर ध्यान दें। दूसरा तरीका है, लोगों से मेलजोल बढ़ाएं। जिन लोगों से बात करने में आपको खुशी मिलती है, उनसे बात करें, उन्हें अपना दुख शेयर करें। अच्छे विचार वाले लोगों से बात करें, दोस्तों के साथ पार्टी करें, बाहर खाना खाएं, अपने दोस्तों के साथ समय बिताएं, परिवार के साथ कहीं घूमने जाएं, इससे भी अकेलापन दूर कर सकते हैं। तीसरा तरीका, पूरे दिन बिजी रहिए और पूरे दिन के काम की प्लानिंग ना करें, बल्कि पूरे दिन खुद को बिजी रखें। हो सकता है बिना वजह आप बिजी हो, पर कुछ ना कुछ करते रहिए जिससे आपका अकेलापन दूर हो जाए। चौथा तरीका यह भी है कि यदि आपको कुछ भी पसंद नहीं है, ना गेम्स खेलना, ना किसी के साथ बात करना, ना किसी के साथ टाइम स्पेंड करना, तो आप बुक पढ़ने की आदत डालें। रोज़ाना कुछ नया पढ़ने की आदत डालें। अपनी पसंदीदा किताबें, पत्रिकाएं पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ें, या इंटरनेट पर कुछ प्रेरणादायक चीज़ें सर्च करें या मोटिवेशनल ब्लॉग्स पढ़ें। पाँचवा तरीका, नई भाषा या कोई नया काम सीखें। कोई नई विदेशी भाषा सीखना शुरू करें, यह आपको रोचक भी लगेगा और मज़ेदार भी लगेगा। या अपनी पसंद या अपनी पढ़ाई से संबंधित कोई नया काम या नया कोर्स सीखना शुरू करें, इससे भी आपको समय का सदुपयोग होगा, आपको ज्ञान का विस्तार होगा और नई तथा मज़ेदार चीज़ें से आपका मन भी खुश रहेगा और आप अपने अकेलेपन को दूर कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, सोशल एक्टिविटीज़ से आप दूर रहें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमारे ब्लॉग्स ना पढ़ें, बट मेरे ब्लॉग से यदि आपको कुछ फ़ायदा होता है तो उसे पढ़ें, वरना किसी से कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ दोस्तों, आप सभी लोगों से, ध्यान से सुनिएगा उसे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसे हम बहुत प्यार करते हैं और वो हमारे पास नहीं रहते। हमने उन्हें सर पर बिठा के रखा है, इसी वजह से वो आज हमें अकेले छोड़ गए और हमारा दुख कोई नहीं समझ पाता। तो इस दुख में होकर अपनी दुख की कहानी किसी और से ना बताएं जिसे आप नहीं जानते या नहीं प्यार करते, क्योंकि यदि आप किसी से अपने दुख को बताएंगे, अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करेंगे, तो वो इंसान आपके साथ दुख में दुख मिलाकर आपसे सारी बातें जान लेगा और समय आने पर वही बात किसी और से हंसते हुए बताएगा।
कृपया अपना दुख किसी से शेयर ना करें जो ना समझता हो। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें।